लेकिन ये नारी शक्ति बंधन के बजाय मोदी बंधन बनकर रह गया। इस बिल में कब आरक्षण लागू होगा कोई समय सीमा नहीं बताया गया। जुमला की तरह इस विधेयक पर अपनी पीठ थपथपा रहे नारी बंधन के बजाय नरेंद्र मोदी महिलाओं से आरती उतरवा रहे, अपना चरण वंदन करवा रहे कि हम महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। यहाँ तक कि पुरुषों के तुलना में महिलाएं ज्यादा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हैं। महिला इतनी सशक्त होगी कि वेद पुराणों इतिहास में जो उसे शक्ति प्रदान थी वो शक्ति प्राप्त करेंगी, तभी आरक्षण के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बहनों, कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। हम नारी सर्वशक्तिमान हैं। नारी के बिना संसार में मानव जाति की सृजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी शक्ति को सम्मान देने के लिए हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभालते ही 2006 से पंचायती राज संस्थानों में एवं 2007 से नगर निकाय के निर्वाचन में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित है। राज्य में पहली बार पुलिस महिला बटालियन का गठन किया गया है। राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों एवं 4 रेल पुलिस जिलों में एक एक महिला थाना की स्थापना किया गया है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है। वहीं पुलिस बल में सिपाही से अवर निरीक्षक तक के पदों में सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई। सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया ही जा रहा है। एक उदाहरण मात्र मैं देना चाहूंगी। बिहार राज्य में 1,07,431 पंच के पद पर कुल 63,974 पंच की सीट पर महिला जीत कर आई है। 38 जिला परिषद अध्यक्ष में 29 महिला जिला परिषद अध्यक्ष, वहीं कुल 8,058 मुखिया में कुल 4,209 मुखिया पद पर आसीन है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने की नेक सोच रखने वाले देश के हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी को भी मैं स्मरण करना चाहूंगी। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहते तो महिलाओं को देश की संसद और विधानसभाओं में कब का एक तिहाई आरक्षण मिल गया होता। हमारे बिहार में नारी सशक्ति के अग्रणी नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जिनकी चर्चा करूंगी तो काफी वक्त लग सकता है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि चलाकर महिलाओं को अवसर प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना से महिलाओं को काफी लाभ पहुंचा है। जो महिला को कभी अबला कहा जाता था उसे सबला बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। वहीं महिलाओं को सरकारी नौकरी में तो 35% आरक्षण दिया ही जा रहा है। तमिलनाडु में भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री
अभिभावक समान स्वर्गीय करुणा निधि के जी के द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन जी भी महिलाओं को सम्मानित व गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है। हम इसके लिए आदरणीय स्टालिन जी का समस्त महिला बहनों की ओर से आभार प्रकट करती हूं और धन्यवाद देती हूं। एक तरफ स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय करुणानिधि जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन जी, माननीय मैडम सोनिया जी, सोनिया गांधी जी, जिन्होंने महिलाओं के हित में इतने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जा रहा है, मार्केटिंग नहीं किया जा रहा है, बस सेवा भाव से महिलाओं को अधिकार प्रदान कर सशक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार, जिनके नेता नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बस योजनाओं को ब्रांडिंग कर अपने चेहरे को बढ़ाने चमकाने का काम किया। अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल को देश की संसद में भाजपा सरकार की ओर से लाया गया, सभी दलों ने मिलकर उसे पारित किया। इससे पहले भी मैडम सोनिया गांधी जी के प्रयास से डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने प्रयास किया था। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया। बहनों भाइयों, लेकिन ये नारी शक्ति वंदन के बजाय मोदी वंदन बनकर रह गया। इस बिल में कब आरक्षण लागू होगा कोई समय सीमा नहीं बताया गया। वंचित अति पिछड़े वर्गों का ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन मोदी जी एक जुमला की तरह इस विधेयक पर अपनी पीठ थपथपा रहे। नारी वंदन के बजाय नरेंद्र मोदी महिलाओं से आरती उतरवा रहे, अपना चरण वंदन करवा रहे हैं। उनका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का बिल पेश किया गया। माननीय मैडम सोनिया जी, मैं तमाम प्रियंका गांधी जी, तमाम यहाँ पर जितने भी महिला नेत्री हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगी, मोदी सरकार देश में आने वाली नहीं है। ये बिल शायद आपके और नीतीश कुमार जी, स्टालिन जी, शरद पवार जी, इंडिया के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में ही ये संभव हो पाएगा। हम सभी चाहते हैं देश की महिला आरक्षण बिल में बिहार मॉडल को अपनाया जाए, जिसमें आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण महिलाओं को बिल मिल सके, बिल में प्रावधान हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की महिला बहनों से कहना चाहूंगी कि हम महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, यहाँ तक कि पुरुषों के तुलना में महिलाएं ज्यादा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल होती आ रही हैं। महिला एक घर में जन्म से लेकर दूसरे के घर भी जाकर उसे सुसज्जित संस्कार देने का काम करती है। महिलाएं धरती से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंची, महिलाओं को केवल अवसर मिलने की आवश्यकता है। महिलाओं को अवसर मिलने पर महिलाओं ने साबित कर दिया है कि पुरुषों से कई ज्यादा गुना काबिलियत महिलाओं में है। देश की महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इसका सशक्त उदाहरण है, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से दुश्मन देश के दांत खट्टे कर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प के कारण उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। मुझे विश्वास है जिस तरह से इंडिया के नेतागण, चाहे वो
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, चाहे मैडम सोनिया जी, मैडम प्रियंका गांधी जी, महबूबा जी, स्टालिन जी, मैडम कनिमोजी जी, सुप्रिया सूले जी एवं समस्त मंचासीन विभिन्न विपक्षी नेताओं के दलों के नेताओं के सभी महिला नेत्रीगण आदि ने महिलाओं को अवसर और संबल प्रदान कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, महिला इतनी सशक्त होगी कि वेद पुराणों इतिहास में जो उसे शक्ति प्रदान थी वो शक्ति प्राप्त करेंगी, तभी आरक्षण के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूँगी मैडम प्रियंका जी से, मैडम कनिमोजी जी से, मैडम सुप्रिया सूले जी से, महबूबा जी से एवं समस्त मंचासीन सभी महिला नेत्रियों से कि एकजुट होकर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत मातृवंदन अभियान पर निकलें। हम सभी साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। देश की महिलाएं आप सबों को पुकार रही हैं, आप आगे बढ़ें, हम सभी साथ। बस आदि आबादी ही नरेंद्र मोदी का हिसाब किताब बराबर कर देंगी। मुझे विश्वास है कि मेरे अनुरोध पर आप सभी विचार करेंगी। अंत में मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ओर से यहाँ उपस्थित महिला बहनों को शुभकामना प्रेषित करती हूँ। उनकी ओर से महिलाओं की अधिकार की हर लड़ाई में सहयोग समर्थन का भरोसा देते हुए यही उनका शुभकामना संदेश है। पुनः इस कार्यक्रम में आयोजनकर्ता मैडम कनिमोजी जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय स्टालिन जी एवं समस्त मंचासीन नेताओं बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।